हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस नोट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लो डिस्कस करने जा रहे हैं। केस का नाम बिल्कुल ही आसान है, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। तो जिनको जो मेरे तरह हैं, जिनको केस लो के नाम याद करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज आती थी जब हम एग्ज़ाम देते थे, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी केस लो है, मस्ट गो केस लो है। कहीं भी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो याद कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है, और राइट टू लेड हेल्थी लाइफ वो भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है, तो इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। और ये डिसाइड किया गया है इन दोनों में जब क्लैश होगा तो कौन विन करता है। वैसे केस टू केस वेरी करता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्रीवियस नोट्स को नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं और आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरी है। ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए 1998 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था, देखिए आप देख रहे होंगे इस केस का नाम इतना आसान क्यों है। हमने लिखा मिस्टर एक्स, यानी कि हम ना ही हॉस्पिटल की आइडेंटिटी रिलीव कर रहे हैं, ना ही पिटिशनर की आइडेंटिटी रिलीव कर रहे हैं। देखिए आपको मालूम होगा कुछ केसेस में जैसे रेप विक्टिम होते हैं या फिर जो HIV केस से रिलेटेड कोई भी अगर पर्सन वो पॉजिटिव पाया जाता है तो जो जो कोर्ट हैं, जो हमारे लॉज हैं, वो भी ये कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिलीव करना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम निर्भय केस के नाम से जानते हैं, हम नहीं बताते, ना ही कोई न्यूज़ चैनल बताता है, ना ही कोई अन्य मीडिया का चैनल बताता है कि वाकई में रेप विक्टिम कौन था। सिमिलर वे में अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसका भी नाम रिवील नहीं किया जाता। तो इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन थे मिस्टर एक्स, उन्होंने अपना HIV टेस्ट किसी हॉस्पिटल में करवाया और वो HIV पॉजिटिव थे। डॉक्टर ने क्या किया, जो उनकी होने वाली वाइफ थी, एक्स की होने वाली वाइफ, अभी के लिए हम कहते हैं वाई, डॉक्टर ने ये जो रिपोर्ट थी वो रिवील कर दी और वाई को, जो उनकी फियोंसे थी, उनको बता दिया कि ये HIV पॉजिटिव हैं। अब पर्सन को हुआ कि इन्होंने तो मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, और ये सबसे पहले गए कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में उनकी कुछ नहीं सुनी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने केस करा था और ये चाहते थे कि जो इनके डैमेजेस हैं, लाइक इनकी शादी टूट गई और सोसाइटी में सबको पता चल गया कि ये HIV पॉजिटिव है, उनके रिलेटिव को पता लग गया, तो इस कारण से उनको मेंटल टॉर्चर भी हुआ है। तो वो बेसिकली डैमेजेस क्लेम करना चाहते थे हॉस्पिटल जेड से। तो क्या हुआ, इन्होंने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को भी अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने भी इनकी अपील जो है वो खारिज कर दी। अब क्या हुआ, देखिए अब बेसिकली इनका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स और हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो अपना क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, और डॉक्टर्स के भी ये मेडिकल एथिक्स में है कि ये जो है अगर कोई रिपोर्ट है वो रिवील नहीं करेंगे किसी अदर पर्सन को। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, डॉक्टर ने रिवील कर दिया था। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखिए निकल कर आती हैं। एक तो सेक्शन 13 क्लोज आई सब क्लोज 5, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन, यानी कि बेसिकली ये कहा गया कि अगर कोई सीवियर डिजीज से इन्फेक्टेड है तो वो एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स क्लेम करने का। सिमिलर प्रोविज़न जो हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट में है, सिमिलर प्रोविज़न हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी हैं और अदर मैरिज एक्ट्स में भी हैं। तो एक तो बात हो गई ये, दूसरा क्या है, आर्टिकल 21 आता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में राइट टू प्राइवेसी की मान्यता सुप्रीम कोर्ट
किसी किसी केस में देने लग गया था। राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है वो अभी रिसेंटली पुट्टा स्वामी की जजमेंट में आया है, लेकिन हम केस कर रहे हैं 1998 का। और यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो है पिक्चर में आया। एक बात इम्पोर्टेंट और निकल के आती है, जो सेक्शन 269 और 270 ऑफ इंडियन पेनल कोड है वो कहता है कि अगर नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, यानी कि इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई इन्फेक्टेड डिजीज है और उसके यानी कोई नहीं बताता है या नेग्लिजेंट एक्ट करता है तो तब भी उसे सज़ा दी जा सकती है। इस केस में जो मिस्टर एक्स हैं वो बिना बताए कि वो HIV पॉजिटिव हैं, वो एक स्प्रेड किया जा सकता है, वो डिजीज़ जो है स्प्रेड हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो अपनी आइडेंटिटी कि वो HIV पॉजिटिव हैं वो नहीं बता रहे थे, तो ये इस सेक्शन के अंडर भी कवर होता है। तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये कवर हो रहा है, आर्टिकल 21 भी आ रहा है पिक्चर में, 269 270 भी आ रहा है पिक्चर में। तो अब मेन जो मुद्दा था वो था देयर इज़ अ क्लैश ऑफ टू फंडामेंटल राइट्स। दो क्लैश थी क्योंकि पेटिशनर कह रहे थे कि उनका राइट टू प्राइवेसी जो है वो हर्ट हुआ है और उन्हें डैमेजेस देने चाहिए, और जो रिस्पोंडेंट थे वो कह रहे थे कि एक तो ये जो मिस्टर मिस वाई है यानी कि उनकी जो फ्यूंसी है जो उनकी वाइफ बनने वाली थी, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ उनको स्प्रेड करने वाले थे तो ये तो बेसिकली लाइबल होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ से अफेक्टेड है तो वो एक ग्राउंड भी है डिवोर्स लेने का, तो अगर उनकी शादी नहीं हुई और उन्होंने पहले ही शादी तोड़ दी तो बेसिकली हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने तो एक अच्छा काम ही किया है, एक पर्सन की लाइफ बचाई है। यहाँ पर क्लैश हुआ कि अपेलेंट्स राइट टू प्राइवेसी जो कि पार्ट है राइट टू लाइफ का, और जो दूसरा पर्सन है उसका राइट टू लेड ए हेल्दी लाइफ वो भी पार्ट है आर्टिकल 21 का, इन दोनों में कौन जीतेगा। अब कोर्ट ने बेसिकली सारे के सारे फैक्ट्स देखे और इन द एंड जो है कोर्ट ने ये जो है मेरिट जो अपील है उसे विदाउट, उन्होंने कहा कि द अपील इज़ विदाउट मेरिट एंड इनकॉन्सिक्वेंटली उसे डिसमिस कर दिया गया, यानी कि एक नहीं मानी गई पेटिशनर की मिस्टर एक्स की, वो डैमेजेस नहीं मिले उन्हें। और जो कि आपका क्या मानना है आप भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ये केस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताता है कि राइट टू प्राइवेसी उस दौरान एक फंडामेंटल राइट नहीं था, उस दौरान कोर्ट की क्या अप्रोच रही आपके सामने है। और देखिए अभी भी राइट टू प्राइवेसी अगर अभी भी ये सिमिलर सिचुएशन आती है कोर्ट के सामने तो वो भी केस टू केस वेरी करती करेगी, और कोर्ट जो है हर एक मामले का संज्ञान लेता है और जस्टिस प्रिवेल करता है। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो आप वो भी बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।